ए जान, एक किस दो ना? ठीक है, एक बार कैसी बातें करती हो? ए, ए, पागल हो क्या? वीरा, छह चक्कर लगा है तो एक चक्कर और लगा लो। वाह, क्या ब्यूटी! कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? अरे मुझे और चोट? थैंक यू भाई साहब। ये दिखता नहीं है कि वो कितनी बड़ी आंटी थी, उसे ब्यूटीफुल कह रहा है? मेरी नजर से देखो भाई, वो आंटी नहीं ब्यूटी दिखेगी। दीवाना है। ए मजनू, जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ भाई। दिल जोड़ने से पहले तोड़ दिया। ए कार्तिक, जल्दी नहा यार। कितना टाइम लगाता है यार तू? क्या डिस्टर्ब करते रहते हैं, पता ना मैं नहा रहा था अंदर, 2 घंटे लगते हैं मुझे। ज्यादा नहाने से गोरा नहीं हो जाएगा? शैम्पू से बदबू क्यों आ रही है और झाग भी नहीं बनाता? अभी बताता हूँ इसे। क्या मैडम, इस महीने का रेंट अभी तक नहीं मिला मुझे। अब अगर तुम लोगों ने एक दिन भी देर की ना तो निकाल दूंगा, समझ गई ना? आप फिक्र मत कीजिए, मैं टाइम से भर दूंगी। पक्का ना? क्या डियो है बॉस? मस्त है, मस्त है। अरे इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। अरे बेटा मदन, इस महीने से रेंट 3,110 रुपए हो गया है, सुन लिया ना तुमने? क्या मजनू भाई, क्या आप भी हर महीने रेंट बढ़ाते रहते हैं? अरे तो महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। चीन के 4 दिन बाकी है बेकार दिन, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। सर वो आता ही होगा, जाओ जाके देखो। अच्छा, उसे ये देखिए आ गया। इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं खोल देता हूँ सर। मैं लेकर आया सर। ले खा ले। नहीं सर, मैं नहीं खाऊंगा। अरे प्रोटीन मिलेगा, खा ले पगले। नहीं सर, नहीं नहीं चाहिए। ए, खाना। मैं बताऊंगा सर। अगर तू नहीं बताएगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। ट्रेलर ऐसे ही है तो फिल्म कैसी होगी? अब वो सब तो उगलेंगे ही,
सिर्फ वर्दी पहनने से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाया करो। सिर्फ उनके सवालों का जवाब देगा, मेरे सवालों में कांटे लगे हैं, तुम्हें तो मार मार के ठीक करना चाहिए। प्यार से बात करो तो समझ में नहीं आता, अब घूर क्या रहा है, दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। हाँ बोलिए सर। तुम्हें जो वो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तुमने कहा था किसी आदमी का हाथ था उसमें, क्या नाम है उसका? वो अपना आदमी अभिराज है सर। उसके साथ मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मैं अभी आता हूँ सर। हेलो, कैसे हैं सर? हाँ हाँ, इसी अभिराज की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिला है सर। नमस्ते सर। अभिराज, मेरे लिए एक डील करोगे? हाँ करूंगा सर। हाँ, अभी वो आखिरी जमीन जो हमने खरीदी थी ना अभिराज, उसके सामने का प्लॉट मेरे दामाद को चाहिए। हाँ, तो जाओ जमीन के मालिक को कैसे भी मनाओ, लेकिन वो प्लॉट मुझे चाहिए, समझे? ये तो मास्टरमाइंड आदमी है सर, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं तुमसे कल बार में मिलता हूँ, ओके? जी हाँ। हे पागल हो गया तू, इसे गोली क्यों मार दी? ये क्या किया, इसे गोली मारने के लिए किसने कहा? सर पिछली बार भी आपके कोड वर्ड देखने की वजह से ही मैंने गोली चलाई थी, मुझे लगा कि ये आपका सिग्नल है। अरे यार मैं सच में टाइम देख रहा था, आदमी टाइम भी नहीं तो देख सकता है क्या? काम करता हूँ। अब बताओ जमीन की डील फाइनल कैसे करेंगे? उसकी चिंता मत कीजिए सर, इसके जैसे मार्केट में हजार होंगे, मैं कुछ करता हूँ सर। सर लाश को मैं ठिकाने लगाता हूँ, आप यहाँ से जाइए। सॉरी ब्रदर, उससे गलती हो गई। लगता है कोई मुर्गा आया है फोन खरीदने। आइए सर। नमस्ते सर। मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, रिपेयर हो जाएगा? क्या हैंग हो रहा है सर? मोबाइल हैंग हो रहा है, रिपेयर कर सकते हो क्या? हाँ हो जाएगा सर, उसके पास जाइए। कहाँ? वहाँ। अच्छा उधर। हाँ। हैंग हो रहा है क्या? हाँ देखो ना काम नहीं कर रहा है। लो सॉफ्टवेयर का इश्यू है शायद, दो मिनट वेट कीजिए। वेट करना है तो क्या खड़े खड़े वेट करूं? तो बैठ के कर लीजिए। सर सर इसे रख दीजिए सर। छो भी नहीं सकते क्या? हो गया, ठीक हो गया। हाँ थैंक यू। रिपेयरिंग के 150 हुए सर। अरे सुनो। क्या हुआ? क्या दोस्त उसकी पर्सनल चीजें देख रहा है? पता नहीं क्या क्या होगा इसमें। इस बुड्ढे को विदेशियन बहुत पसंद है। देखो कैसे कैसे वीडियो देखता है। देख रहा हूँ बहुत रंगीला है ये बुड्ढा। चलना यार, कैसे कैसे लोग आते हैं। क्या बोरिंग आदमी है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आ रहा हूँ। क्या यार, कब्र में पैर लटके फिर भी बुड्ढा नाचता ही रहता है। क्या मजनू भाई, मजे तो आप ही ले रहा। तुम्हें जलन हो रही है क्या? हाँ देखना, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं पहुंचने वाला हूँ सबसे टॉप पर। ए कार्तिक, मुझे स्टार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अबे ऐसी बातें करता रहा ना तो मुझे पागल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ? अरे थोड़ी भी शर्म नहीं बची है क्या? है ना माँ। पैसे क्यों चाहिए? वो कैट कोर्स के लिए 10,000 चाहिए। कौन सा कोर्स किया था? माँ वो मैंने नेटवर्किंग का कोर्स किया। 10,000 चाहिए? हाँ माँ। तो ठीक है, माई अकाउंट में डलवा देना। ठीक है रखता हूँ। भैया जरा जल्दी बनाइए, 2 डोसा 2 पराठा। अरे ये पागल कहाँ से आ गया? अरे कैसी हो मेरी जान? चल निकल, चल यहाँ से, चल बाहर, चल मदद तो करो। अरे पागल है तो परेशान नहीं है, हमें उसे मदद करनी चाहिए। अरे देखो तो उसको। अरे जाइए ना, आप ही मदद कीजिए ना। दोबारा नहीं आने का। आना भाई, चल निकल बाहर जा, चल। मदन तो तुम एक्टर बन जाओगे क्या? ये हलवा की तरह खाने का काम नहीं है। स्कूल कॉलेज में नाटक कर लिया तो एक्टर थोड़ी बन जाओगे। वैसी एक्टिंग तो कोई भी कर लेता है भाई, असली एक्टर बनना बहुत टेढ़ी खीर है। अरे आप भी तो कुछ बोलो ना भाई।
अरे कैसी बातें करते हो, ये तो पूरा दिन आईने के सामने एक्टिंग कर सकता है। मैं तो कहता हूँ एक दिन ही बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। आपने इसे चने की झाड़ पे चढ़ा रखा है। अरे नौकरी वोकरी करने की सलाह देनी चाहिए आपको। ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, तेरा क्या है, कहीं से तो पार्टनर ले लिए, मोबाइल की दुकान खोल कर बैठ गया, बात करता है। ए, इस दुकान में सिर्फ उन लोगों ने पैसे नहीं लगाए, इस बिजनेस में मेरा भी बराबरी का हिस्सा है, समझे क्या? तुम्हें क्या मतलब? बहुत पैसा है तो बिल पे कर देना। तो भाई पकड़ के बैठना, बुड्ढे हो, लुढ़क जाओगे। कौन है यार, सुबह सुबह नींद खराब करने चला आया। अरे खोलता हूँ। ऑनर आया है, वो भी बिना बताए टपक गया, अब क्या करेंगे? अरे अरे अरे, ए मदन, कार्तिक उठो उठो, ऑनर आया है, जल्दी उठो। अरे ए उठो ना, जल्दी आओ, बाथरूम में छुप जाओ, ऑनर आया है, उठो बाथरूम में छुप जाओ, जाओ जाओ, अरे बाथरूम में छुप जाओ, ए उठो, अरे उठ, अरे उठकर बाथरूम में छुप जाओ। अरे क्यों उठा रहे हो सुबह सुबह? अरे मेरी बात मानो, जाके छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ, अरे बाद में बता। इतना टाइम क्यों लगा? बाथरूम में था इसलिए। ओहो, पता नहीं अब क्या बोलने के लिए। इस बुड्ढे ने घर को बड़ा साफ कर रखा है। अकेले ही रहते हो ना? हाँ सर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ रहना शुरू कर दूँ। क्या कर रहा है यार ये? आप चिंता मत कीजिए, आपका घर बिल्कुल ठीक ठाक है, पहले जैसा था वैसा ही है। कुछ गड़बड़ है बाहर। ये मजनू कर क्या रहा है बाहर? एक मिनट रुको, मैं बाथरूम से आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आप बाथरूम नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्यों? बाथरूम बहुत गंदा है इसलिए। मेरा पेट गड़बड़ जाने दो, इससे बाद में निपटता हूं। अरे पूरा बाथरूम बदबू से भरा है। बदबू से भरा है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, घर का ख्याल रखना। बाय सर। सॉरी दोस्तों, तुम लोगों को मैंने एक राज की बात नहीं बताई, मुझे माफ कर दो। कौन सी राज की बात? इस बिल्डिंग के लोगों का रेंट अगर मैं कलेक्ट करूं, हर महीने उसका ये काम करूं, तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ मैं फ्री में रह सकता हूँ। अरे मैं तो यहाँ फ्री में रहता भी था और तुमसे रेंट भी लेता था, इससे ही मेरा खर्चा चलता है। अच्छा, हमसे पैसे लेके हमें बेवकूफ बना रहे थे हैं? अरे थोड़े से पैसे के लिए मुझे डांटोगे क्या? वो तो मैंने अपना दिमाग लगाया और जिस जिस घर से रेंट लेता हूँ उन सबसे कभी कभी बिजली तो कभी मेंटेनेंस के नाम पे, हर यूनिट पे 5 रुपए, कभी पानी के बिल में झोल करके अपना खर्चा चलाता हूँ। और मुझे लगा तो मकान मालिक की मदद कर रहे हो। अरे मदन भाई, आज के टाइम में भाई भाई का नहीं होता है, वो मदन बिना क्या लगता है? देखा इसको, इस गिरगिट ने बहुत पैसे बनाए हैं, देखना तुम लोग। तुमसे पहले मैं थाईलैंड जाके थाई मसाज कराऊंगा। क्या रे बुड्ढे, दाढ़ी सफेद हो गई है? तुझे थाई मसाज चाहिए, वो भी लकड़ी जैसे शरीर पे? अब मैं तुझे रेंट नहीं देने वाला हूँ। रेंट की जगह यही मिलेगा तुझे। मैं तो मजाक कर रहा था कार्तिक, रेंट दे देना प्लीज। किस्मत इतनी खराब है कि छाता भी साथ नहीं दे रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, हीरो बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऑफिस में रखने, 5 लाख रुपए ऑफिस में रखने, 5 लाख रुपए ऑफिस में रखने, 5 लाख रुपए ऑफिस में रखने। लेकिन दो लोग तो ये खेल खेल ही नहीं सकते हैं। सही भाई डबक, नहीं नहीं नहीं, सही भाई डबक, सही भाई भाई। सुनो, मुझे भी ये खेलना है। आजा, सही भाई डबक। हाँ सुरेश, मैं मदन। अपनी शॉर्ट फिल्म में मुझे इस बार पक्का काम देना यार। एक्टिंग करते हो क्या? हाँ यार, अब सोच रहा हूँ कि फुल टाइम एक्टिंग ही करूँ। मैं अपनी शॉर्ट फिल्म की टीम के साथ पब में जा रहा हूँ,
कौन सा पब? इवोक पब में मेरी ट्रीट है, आ रहे हो? अभी? हाँ अभी, बस स्टॉप पर आओ। हाँ हाँ मैं आता हूँ। वहाँ से मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। हाँ हाँ ठीक है। सुरेश तेरी वो शॉर्ट फिल्म थी ना, बहुत मस्त थी यार, एक नंबर। थैंक्स यार। कंग्रेचुलेशन यार, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। थैंक्स बॉस। देख सुरेश, अपनी नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म में मुझे पक्का काम देना, भूलना मत। हाँ बिल्कुल दूंगा। अरे आप, आपको पहचाना नहीं? मैं भी तो था। आपने भी कमाल की एक्टिंग की थी। पहचान गए ना? कंग्रेचुलेशंस, फिल्म देख के मजा आ गया। सबके सब यही बोलते हैं, सिरदर्द शॉर्ट फिल्म करने के बाद मेरी मार्केट वैल्यू तो जैसे आसमान छूने लगी। और पता है अभी मैं इस वक्त शूटिंग के लिए ही जा रहा हूँ। शूटिंग? क्या सुरेश, तूने कहा था कि तू मुझे पब में ले जा रहा है फिल्म की पार्टी देने के लिए, फिर ये शूटिंग बीच में कहाँ से आ गई? अरे इसकी बातों पे ध्यान मत दो, पार्टी तो हम करेंगे ही, ये बेवकूफ किसी शूटिंग पे जा रहा है। अच्छा, इसे रस्ते में ड्रॉप करके हम पार्टी करेंगे। मनोज यार बुरा मत मानना मेरे भाई, मजाक में बेवकूफ बोला यार। एक्सक्यूज मी। यस सर। कल मेरा फोन नीचे गिर गया था, तब से काम नहीं कर रहा है, देखिए ना प्लीज। सर वहां पे सर्विस के लिए दे दीजिए। क्या यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कॉल पर कोई आवाज नहीं आती, प्लीज चेक करेंगे। किससे, आपसे या फोन से? व्हाट? ओ सॉरी, ओ आईफोन, स्पीकर में दिक्कत होगी, थोड़ा वेट कीजिए। ओके। ये K4 कितने का पड़ेगा? K4? हाँ सर, 12,500। 12,500 सर। फोन ठीक हो गया सर। कितना हुआ? रिसेप्शन पे पूछ लीजिए सर। ओ हाउ मच सर? 300 सर। अरे सर, अरे सर आ गए सर, आ गए, चलो 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 चलो। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये क्या है, मैंने तो पैसे बैंक से निकाल कर ऑफिस में रखने के लिए कहा था, यहाँ लेकर क्यों आए? सर वो मैं भूल गया, लेकिन पूरे पैसे अभी बैग में सलामत हैं। मैंने तुमसे कहा था कि ये भुलक्कड़ है, इसे याद नहीं दिलाया। सॉरी सर, वो मैं बताना भूल गया सर, बैग में पूरे पैसे अभी भी सही सलामत रखे हुए हैं सर। और तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? सर अगर मैं इनका काम कर लेता तो वो गलत होता ना। काफी तरक्की करोगे। थैंक यू। कृष्णा जी आ रहा हूँ। देखो ये बहुत ही लालती इंस्पेक्टर है, ऊपर से इनको बड्डी रख देना, बाकी सब छुपा देना, इसी कोशिश में रहना कि जल्दी आपसे निकल लो। मंडल बैग में दे दो। अब तुम क्यों पीछे हो? बताइए सर क्या लेना था? पहले काम की बात करते हैं, फिर जो लेना होगा ले लेंगे। बड़े मजाकिया हैं सर आप। क्या बात है, आप मुझे जानते हो? कैसा बिजनेस चल रहा है आपका, और ये मैडम कौन है? सर ये मेरी पुरानी क्लाइंट है, बस इन्हें ऐसे ही पार्टी में लेकर साथ चला। कुछ सुन रहा है? अच्छा तुम्हें लगा कि तुम मुझसे छुपा लोगे? मैंने सूंघ के पता लगा दिया। ठीक है। ओ, तो लाइन मार रही हो? तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? मैं ले आऊंगा। ओके चल निकले यहाँ से। वन लार्ज रिपीट। क्या यार इस बार क्या मिला? देखते हैं कुछ तो होगा। इसमें तो सिर्फ फोटो ही है, कॉल रिकॉर्ड है क्या? हाँ है ना, चल देखते क्या क्या है इसमें। हेलो मोहिनी। हेलो
हाँ मैं लंच के लिए तुम्हारे घर आने वाला हूँ। हाँ ठीक है, मैं बिरयानी बना लूँगी। अरे उतनी मेहनत क्यों करती हो, दाल चावल बना लेना। हेलो एक्सक्यूज मी, वो जो वहां पे लड़की दिख रही है ना, उसके साथ एक घंटा बिताने पर तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, उस बारे में मत सोचो, घर जाओ और इस बारे में सोचो, प्रपोजल के बारे में। क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो ना? ये लो, ये रहा मेरा कार्ड। पापा जी, 2 करोड़ रुपए मैंने हॉल के लॉकर में रख दिए हैं। और हाँ, मैं 2 दिनों में निकल रहा हूँ, पैसों की कुछ बात करनी हो तो मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। हेलो हेलो, देखिएगा वो कहीं जमीन हाथ से निकल ना जाए, 10 लाख रुपए उस जमीन के लिए एडवांस दे ही दीजिएगा। अरे तुम चिंता मत करो, वो जमीन हमारी ही है। ठीक है, मैंने लॉकर में गणेश जी की मूर्ति के साथ पैसे रख दिए हैं और अब मैं 1 हफ्ते बाद ही आऊंगा। 1 हफ्ते बाद सर? ए, कस्टमर है, जाके देख। नशेड़ी आदमी। अरे कार्तिक, ये देखो रात में किसी क्लब में पी के आया है और अभी तक सो रहा है। अरे तो जाने देना मजनू, इसने भी पी रखी है क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने लॉकर में गणेश जी की मूर्ति के साथ पैसे रख दिए हैं और अब मैं 1 हफ्ते बाद ही आऊंगा। सर सर फोन सर। हेलो, कौन बोल रहा है? सर वो मेरा नाम मदन है और मैं आपसे कल रात में पब में मिला था सर, आपने मुझे कार्ड दिया था। हाँ, वो जो 1 घंटे का काम करने के लिए कहा था। ठीक है, इंतजार करो, बात करता हूँ मैं। ठीक है सर, ओके। अब ये फिर से पीने के लिए जा रहा है क्या? देखो तो कैसे इग्नोर करके गया है। हम तो उसे जानते भी नहीं है, उसके घर में चोरी कैसे करेंगे? तुम्हें लगता है सब बच्चों का खेल है? अरे छोड़ना वो सब, चोरी तो कर ही लेंगे, उसके बाद आपस में बांट लेंगे। आने वाली लक्ष्मी को कौन मना करता है यार, अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं हूँ ना तेरे साथ। ये बता उसके घर का पता कैसे चलेगा यार? ठीक है, उसका पीछा करते हैं, पता तो चली जाएगा, सेफ लगा तो हाथ मारेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, पहले पता करो फिर काम शुरू करते हैं। हाँ कार्तिक, कैसे पता लगाओगे उसके घर का? अच्छा सुन, जब वो दुकान आया था तो जॉगिंग के पैंट में था ना? हाँ। इसका मतलब वो आज शाम को भी जॉगिंग के लिए जाएगा। क्या बात है यार, अच्छा प्लान है ना। हेलो सर, मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया हूँ। ठीक है, वहाँ से तुम अभी अंबू नगर पहुँचो। ठीक है सर। वहाँ पहुँच के मुझे बताओ, मैं तुम्हें मैसेज करूँगा कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है। ओके सर। भैया ये अंबू नगर जाने के लिए रास्ता, अंबू नगर यहाँ से सीधा। हेलो सर, मैं अंबू नगर पहुंच गया हूँ। ठीक है, अभी तुम थंगम लॉज। कहाँ पर सर? थंगम लॉज। अच्छा ओके।
हेलो सर, सीधे रूम नंबर 107 में। ठीक है सर। वेलकम सर, रूम नंबर 107। 107 टर्न राइट सर। थैंक यू। वेलकम। लगेगा, घबराइए मत। अरे मदन, किसी ने मेरी पैंट चुरा ली। कितनी बदबू मार रही है मजनू की पैंट। कौन है? हेलो, ये बताओ वो वहाँ आया कि नहीं? आया। मैंने राघव से पूछा, वहाँ भी नहीं आया। ऐसा क्या? वो सच में वहाँ नहीं आया? अरे नहीं आया यार। ए, फोन रख, शायद उसी की कार है। वही है, तुम लोग निकलो, मैं इसे फॉलो करता हूं। हाँ यार बोल। मदन, मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, तुम्हें हीरो लेना चाहता हूँ, करोगे क्या? हे सुरेश, क्या बात है यार, थैंक यू वेरी मच। वैसे फिल्म का सब्जेक्ट क्या है और मेरा गेटअप क्या रहेगा? बाप रे, सांस तो ले लो। हाँ। ये लव स्टोरी है, हीरोइन को 30,000 रुपए देने हैं, पहले उसका अरेंजमेंट कर, उसके बाद फिल्म शुरू करते हैं। ठीक है? ठीक है भाई, मैं शाम को कॉल करूंगा। पैसों का अरेंजमेंट जल्दी करना। अरे पानी इतना ठंडा क्यों होता है, जाने दो, आज भी नहीं नहाता हूं मैं। फोन। कौन है? हेलो। हेलो सर, मैं मदन बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर मदन, कहिए। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। हाँ वही जिगोलो, कॉल बॉय का तो नाम आपने सुना होगा। हाँ सुना है मैंने सर। कोई और रिक्वायरमेंट हो तो बोलिएगा सर। भाई हमारा मेंबर बनने के लिए ऑनलाइन पहले 7,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं। 7,000? सर अभी तो इतने पैसे मेरे पास नहीं है, जैसे ही नई क्लाइंट मिलेगी मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी तुम फिलहाल अपनी फोटो, हाइट, वेट, साइज सब कुछ व्हाट्सएप पे भेज दो।
उसके बाद जैसे जैसे क्लाइंट ठीक है सर, मैं बताता हूँ। ओके अभी फोन रखो सर। ACR के क्लाइंट ने मैसेज किया सर, 25-27 ईयर का एक लड़का चाहिए सर। उन्हें 10 लड़कों के फोटो भेज दो। ओके सर। सर उसने व्हाट्सएप पे फोटो भेजी। ठीक है, इसकी भी फोटो भेज दो। ओके सर। आलस कम करो और काम ज्यादा करो। पिछले महीने 35 केस आए थे, इस महीने 45 तो होने ही चाहिए। यस सर। और सुनो, मेहनत से काम करो सब लोग। ओके सर। ध्यान रहे, दिल लगा के काम करना है। यस सर। हाँ? अबे यहाँ से शिलाजीत की डिब्बी कहाँ गई? मुझे नहीं पता सर, मैंने नहीं लिया। खा के मोटा हो रहा है। ए, जरा कमला पार्टी को फोन कर तुरंत। यस सर। कैसे आदमी है लोग। सर रिंग जा रही है सर। अरे तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, बेवकूफ कहीं का। सर बोलिए सर। क्या यार, तुम्हारे बारे में आजकल कंप्लेंट मिल रही है। कंप्लेंट है सर? किस बात की कंप्लेंट? कि तुम आजकल दिल लगाकर काम नहीं करते। क्या हुआ सर, मैंने तो अपना काम कर दिया था। ठीक है, तुम एक काम करो, अभी मेरे ऑफिस में आ जाओ और मुझसे शिलाजीत दवाई लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद बढ़िया से करना। ओके सर। हे भगवान, उसने तो कहा था किसी को बताएगी नहीं, धोखेबाज। हेलो। हाँ सर बोलिए। अरे भाई तुम्हारा वक्त बदल चुका है, तुम्हें एक क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया है। ओके सर। तो अभी अच्छी तरह से नहा धो के तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये कैसा है खेल, ये कैसा है का है नुकसान। दौलत का नशा है, हर नशे से ये नशा जुदा है। अंधे बहरे ये हो गए हैं, ये तो दिखावे में रह गए हैं। झूठे दिखावे करते करते खुद को ये सलमान समझता, टपरी पे पीता था चाय जो अब वो कॉफी हाउस में मिलता। पैसा देख के लोग यहाँ पागल जाते हैं, काम गलत करना भी पड़े तो वो कर जाते हैं। काम गलत करना भी पड़े तो वो कर जाते हैं। गलत करता है वो घूंट घूंट मरता है, ना साथ दे जमाना यारों से मिलता है ताना। हो गया इसका विजन, देखा किसको क्या रीजन, हर बातें मुश्किल हो गई, लाइफ जैसे शॉर्ट हो गई। पैसों की खातिर देखो वो क्या से क्या बन बैठा, सपने पाने की खातिर वो क्या से क्या कर बैठा। निकालो निकालो टिकालो मकालो डकालो निकालो गिकालो। वो क्या है कॉल बॉय भगवान, कैसे पागल हो गए हैं देख तेरे इंसान। भगवान क्या वक्त आ गया है तेरे संसार में तेरे जान में। भगवान भगवान कट।
this side or that side? अच्छा हुआ बला टली। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये ऐसे छुप छुप के क्यों जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हैं? अंदर तो ऐसे जा रहा है जैसे इसके बाप का घर हो। हैं? ये करने क्या वाला है यार? बात क्या है? चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, इतनी देर से कर रहे हैं अंदर। कौन हो तुम और इस घर के सामने ऐसे भूत की तरह क्यों घूम रहे हो? वो मेरे दोस्त का फोन। चलो निकलो, जाओ जाओ। हाँ जाता जाता, अभी तक बाहर नहीं आया। हेलो रेशमी। हाँ बोल ना, कैसी रही रात? हाँ कैसा लगा वो? तूने सही कहा था, वो बहुत अच्छा है। मुझे उसके आने से पहले थोड़ा डर लग रहा था, पर अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। अरे पहली बार तो ऐसा लगता है पगली, मुझे भी ऐसा ही लगा था। बस हो गया अपने। ये कैसी बातें कर रही है? समझ ना, गिल्टी फील होता है। देख अगर हमारे पतियों में कमियां ना होती तो हम ऐसा थोड़ी ना करते। समझ ना, ए किसी और को तो उसके बारे में पता नहीं है ना? किसी को पता नहीं है, मैंने बिना एजेंट को बताया उसे तुम्हारे पास भेजा था। मैंने उसे एक्स्ट्रा भी पे किया था, तो घबरा मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गिल्टी फील हो रहा है। देख तो इतना सोच मत। अच्छा सुन, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है रश्मि, बाद में बात करते हैं। और भाई कल रात को कहाँ था, दिखाई नहीं दिया? कल रात मैं शूटिंग पे था। अच्छा शूटिंग कहाँ पे? वो लोकेशन शहर के बाहर थी। अच्छा हाँ। शहर के बाहर कहाँ पे? अरे वो हाईवे है ना, वहीं पे पासिंग सीन था। ओ पासिंग सीन था। वैसे बिल्कुल तेरे जैसे एक आदमी को कल मैंने शहर के एक बंगले में जाते हुए देखा था, मुझे लगा कि तू ही है। अच्छा तू नहीं था क्या? इसने कैसे देख लिया? ए मुझसे बात छुपा रहा है ना? बता ना यार, हमसे क्या छुपाना, अच्छे दोस्त हैं यार हम दोनों। तू किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं बताऊंगा, बोल। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ जिंदगी और मौत का सवाल है, डरा मत भाई। उस दिन मैं सुरेश के साथ पब में गया था ना, हाँ वहां मुझे एक ब्रोकर मिला। हाँ। मैं एक जिगोलो बन गया हूँ। हाँ। क्या कहानी है, क्या कहानी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर। क्या यार मुझे लगा कि तू गुस्सा करेगा। वैसे जिगोलो बनना तेरे बस की बात तो नहीं है यार, दिल छोटा मत कर। सुन मुझे बनना भी नहीं है भाई। वैसे मुझे पता है तू कल किसके घर में गया था। उस घर की किसी अलमारी में 2 करोड़ रुपए छुपा के रखे हैं। बस तू एक बार हाँ कह दे, मैं उन दोनों को प्लान से बाहर कर दूंगा। ये चोरी मैं तेरे साथ करूंगा। अबे ये सब क्या चोरी की बातें कर रहा है तू? हाँ। मुझे शॉर्ट फिल्म के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये काम किया, समझा ना? चोरी नहीं करनी मुझे। ए, मैं तुझे फीचर फिल्म में हीरो बनाने के सपने देख रहा हूँ और तू शॉर्ट फिल्म में लगा हुआ है अभी तक। है 2 करोड़ रुपए, स्टार बन जाएगा तू। है एक बार अच्छे से सोच ले, 2 करोड़, हीरो, रातों रात स्टार। और अच्छे से सोच ले, मिलते हैं, हैं? रात रात बनेगा स्टार मेरा दोस्त, मेरा दोस्त स्टार। क्या भाई क्या सोचा? वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुम्हें बस ये करना है कि एक बार उस घर में और जाना है, इतना ध्यान रखना है कि जब वो बुलाए तभी। अरे हम पे कोई शक ही नहीं करेगा यार। अबे कार्तिक वो एक अच्छी औरत है, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा बुलाएगी। उसने कहा था कि वो उसका फर्स्ट टाइम है। पहली बार? हमारे पास सिर्फ 3 दिन है यार, उसके बाद उसका हस्बैंड वापस आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? 2 करोड़ रुपए, प्लान बनाए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा सुन एक काम करते हैं, फोन करना, करना फोन। सच में करूं? अरे करना। हेलो।
हेलो, आज मैं जिम नहीं आ पाऊंगा यार। यही बोलने के लिए फोन किया। हेलो हेलो, माफ कीजिएगा, कार्तिक है क्या? हेलो, मैं वो आप एक रात आप आए थे ना? सॉरी, गलती से नंबर लग गया। हाथ मिला, हाथ मिला, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देख, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो तुझे पक्का कॉल करेगी। फिर देखना, उसके बाद तो हम दोनों का काम बहुत आसान हो जाएगा। मजा आ गया यार। हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, क्या आप आज रात 7 बजे मेरे घर आ सकते हैं? ठीक है मैडम, मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दे दूंगी, लेकिन ध्यान रहे कोई आपको देखे ना। ये सेकंड और लास्ट टाइम होगा। हेलो कार्तिक, उस औरत ने फोन किया था, आज शाम 7 बजे आने को बोला है। बात बन गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसने हाँ भी कह दिया, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया बात, उसने फोन किया था। समझ गया, आता हूँ ना, आता हूँ मैं। मेरा एक फ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना लिखने के लिए, मैंने लिख दी, वो गाना सुन के वो पट गई है, उसी खुशी में वो पार्टी दे रहा है, वही जा रहा हूँ मैं। ए, दुकान संभालो, मैं अभी आता हूँ। मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसके लिए भी कोई कविता लिख देना यार। क्या बात है कार्तिक, चिड़िया के घोंसला में कवि छुपा बैठा है, मदद कर देना। कोई और बहाना नहीं मिला था क्या कार्तिक? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो वो है ये कविता, कितने सुंदर है आपके बाल, चूहो ने कुतर कुतर कर दिया है इसका बुरा हाल। कितनी बढ़िया कविता है, गर्लफ्रेंड को सुनाओ पक्का फटेगी। ठीक है मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। ये कविता सुन के तो वो लड़की भाग जाएगी। मैं एक प्लान बनाता हूँ, पहले उसकी एक ड्राइंग बनाता हूँ। ये है उसका घर, हमारा टारगेट। उसके घर से बाहर लेफ्ट साइड में बाइक पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जैसे ही तुम अंदर जाओगे, उसके थोड़ी ही देर बाद, अरे क्या है नाम भूल गया उसका, रुमाल में क्लोरीन पाउडर डाल के उसे सुंघाकर बेहोश कर देना है। अबे क्लोरीन पाउडर नहीं, क्लोरोफॉर्म। ए चुप रहना, सुंघाने वाला है ना, सुंघा देना, बेहोश हो जाएगी, फिर अपना काम आसान हो जाएगा। उसके बाद जिस अलमारी में भगवान की मूरत हो, उसे मेरे टिप के अनुसार खोल करके पैसे चुरा कर बाहर आ जाना है। देखिए प्लान तो अच्छा है, पर उसने अपने पति को बता दिया कि मैंने चोरी की है तब? नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर उसने हस्बैंड को तुम्हारे बारे में बताया तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि तुम आखिर घर में कर क्या रहे थे। ये भी है, अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो मैं हीरो बन जाऊंगा। हीरो, ओके। हेलो सिक्योरिटी, जरा 2 पैकेट दूध ले आना। क्या? 2 पैकेट दूध ले आओ, जाओ और आराम से आना। ठीक है मैडम, लाता हूँ मैं। उसके आने से पहले वॉचमैन ना आ जाए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पापा जी, मेरा एक काम सरकारी दफ्तर में अटक गया है, मैं बस रास्ते में ही हूँ। ठीक है, आप घर पर ही आ जाइए ना। अच्छा आता हूँ, घर पे ही मिलता हूँ। ठीक है पापा जी। हाँ।
बस आज काम हो जाए। यहाँ पर कौन आ गया? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम डरो मत, मैं देख कर आती हूँ, तुम यही इंतजार करो। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो मैं रास्ता भटक गया हूँ सर। तुम्हें देख के ऐसा लगता तो नहीं है, रे कहीं ये चोर तो नहीं? हाँ, सर। चलो तलाशी लो इसकी। चलो तलाशी लेने दो। मैंने कोई चोरी नहीं की सर। बताऊँ तुमने क्या किया है? तुम बंगले के अंदर गए चोरी करने, मालिक को आते हुए देखा तो वहाँ से चुपचाप भाग निकले, है ना? नहीं नहीं सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ चोरी वोरी करने को नहीं आया था सर, मैं रास्ता भटक गया हूँ। हाँ, समझ में आ रहा है। अगर तुम इतने ही मासूम हो तो चलो मेरे साथ अंदर, मालिक से मिलते हैं, तुम गाड़ी लेकर आओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए, बकवास बंद कर। चोरी वोरी नहीं की सर, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। चुप रहो सर, ये पागल फिर से आ गया। मेरा यकीन कीजिए, ये पागल फिर से आ गया, छोड़ो ना उसको, बेकार, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। सर जाओ यहाँ से, मेरे साथ चलो। सर मेरा सर, मेरी बात पता चल जाएगा। सर मैं चोर नहीं हूँ सर, अब चुपचाप यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं रास्ता भटक गया था। तुम्हें घूर के क्यों देख रहा था, जानते हो क्या उसे? नहीं सर, मैं चुपचाप। झूठ बोल रहे हो सर, मैंने चोरी। तुम गाड़ी वहीं लगा दो। ओके सर, जल्दी आना। तुम कहाँ चले गए थे? देखा तुम्हारी लापरवाही से क्या हो गया। चल जल्दी चल। सर सर यही वो आदमी है, इसी ने मेरी बीवी का कत्ल किया है, इसी को मैंने भागते हुए देखा यहाँ से।
सर मैं बेकसूर सर, इसी ने मेरी बीवी को मारा सर, नहीं किया सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, चला जा सर, नहीं सर, सर बहुत गर्म दिमाग वाले हैं, अच्छे से कोऑपरेट कर समझा सर, इसने सिर्फ खून ही नहीं किया, इसने 2 करोड़ रुपए भी चुराए हैं सर, सीसीटीवी कैमरा अभी 2 दिन से काम नहीं कर रहा सर, हेलो यस सर, सुनो थाने में इंस्पेक्टर है क्या? नहीं सर, हम 2 लोग हैं यहाँ सिर्फ। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों अभी के अभी भारती नगर 3rd स्ट्रीट पर आ जाओ। सुनो तुम क्या करते हो? सर मैं एक्टिंग करता हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर कि एक्टिंग कर रहा है। नहीं सर, सर, सर मेरा मतलब मैं वो फिल्मों के अंदर एक्टिंग करता हूँ। इतना दुखी क्यों हो रहा है? फोन करने के बाद दुख हो रहा है? सर किसी की मौत हो जाए तो दुख तो होगा ही ना। सर सर मेरी बीवी की गाड़ी यहाँ है। फालतू की बकवास बंद करो। सर 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 प्लीज मुझे जाने दो। चुप रहे सर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, सर सर चलो ट्रेन यहाँ से सर, कहाँ लेके जा रहे हैं सर? सर सर क्या हुआ? मुझे लगता है कि हमें बड़े साहब को सारी बात बता देनी चाहिए, आप उन्हें एक बार कॉल कर लें तो अच्छा होगा सर। हेलो, हाँ बोलो सर, भारती नगर 3rd स्ट्रीट पर। अच्छा ऐसा क्या? क्या क्या कहना चाहते हो? पूछो उससे, उसका नाम कृष्णा है क्या? ठीक है सर, उसका नाम कृष्णा है क्या? नहीं सर। नहीं सर, उससे पूछो, उसका आदमी तो नहीं है? तो उसका आदमी है क्या? हे, जो पूछ रहे हैं सच बता दे। हाँ सर, मैं उनके लिए काम करता हूँ। हाँ सर, ये उसके लिए काम करता है। उसकी फोटो मुझे अभी कभी व्हाट्सएप करो और उसको फौरन छोड़ दो। सर मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, पक्का उसी ने चोरी की है। सुनो, जितना कह रहा हूँ उतना करो, तुम फोन रखो अभी। सर लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। सर बड़े साहब की बात हमेशा माननी चाहिए। ठीक है जाने दो इसे। ए, भाग मत जल्दी। चल जा। थैंक यू सर। हे भगवान, थैंक यू वेरी मच। हे भगवान, बचा लिया तूने। हाँ मिस्टर कृष्णा। सर इस महीने का हफ्ता तो आपके पास पहुंच गया। अरे यार, मैं तो यहाँ तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ। कुछ और बात? ये अचानक कौन सी बात आ गई? सर अगर आपको काम चाहिए तो किसी बुढ़िया के कॉल का वेट करना होगा। अरे छी 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 छी, वो सब बात नहीं है, पैसे की बात है। हाँ? मैं तुम्हें 20% दूंगा, चलेगा ना? चलेगा। सर 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 फोन सर। अरे फिर से इसका फोन आ गया। हाँ बोलिए सर। क्यों भाई कृष्णा, तुमने पैसे चुरा लिए ना? सर सर, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन उसकी वाइफ का कत्ल क्यों किया? चलो जाने दो, अब किस्मत थोड़ी ना बदल सकते। अरे मुझे बोलने दीजिए सर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सर सर, बंगला देख के लग रहा है कि ये लोग बहुत अमीर हैं।
सीसीटीवी कैमरा यहाँ जरूर होगा सर, ध्यान रखना अपना। मैं जानता था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैं उसका जुगाड़ करके आया हूँ। ए मोटे, जल्दी से लेके आ जा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आकर मेरी मदद करो। अरे हौले से उठाओ, कहाँ यहाँ वहाँ हाथ मार रहे हो। अरे इस वक्त यहाँ पर कौन आ गया? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम डरो मत, मैं देख कर आती हूँ, तुम यही इंतजार करो। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम और घर में क्यों मुझसे चले आ रहे हो? जाओ यहाँ से। मैंने पूछा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो चुपचाप मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा है कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। तूने मुझे हाथ लगाया, तेरी इतनी लगता है ऊपर के कमरे में कोई है, निकल लेता हूँ। उसके बाद फिर आप ही ने मुझे बताया कि वो मर चुकी है सर। और तुम्हारा आदमी वहाँ क्या कर रहा था? कृष्णा, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? मैं तुम्हें उसकी फोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तुम खुद ही देख लो। ओके सर। आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ बोलिए सर। सुनो, अगर वो आसपास है उसे पकड़ लो, वही गुनाहगार है। सर आप ही ने तो कहा था, अब मैंने उसे छोड़ दिया। अरे गलती हो जाती है यार, अब जाओ पकड़ो उसे। ए यू टर्न लो जल्दी। हेलो इंस्पेक्टर, मेरी बेटी का कातिल पकड़ा गया कि नहीं? सर वो तो भाग निकला है। क्या कहा, भाग निकला? हाँ सर। सुनो इंस्पेक्टर, उसे ढूंढ के पकड़ो और मेरे पास लेकर आओ। ठीक है सर। जितना बोलोगे उतने पैसे दूंगा। हेलो कृष्णा। सर उसने हमारी कंपनी 3 दिन पहले ही ज्वाइन की है, पर उसके बारे में आपको कैसे पता चला सर? अच्छा, अब तुम मुझसे सवाल करेगा? अभी सवाल पूछने का समय नहीं है, पहले जाकर के पैसे लेकर के जाओ जल्दी। ओके सर। छी, मुंह बदबू कर रहा है, जाके ब्रश कर। सर एक मिनट सर। क्या है ये, आपकी बनियान दिखाई दे रही है सर? हाँ आप ठीक है सर। कैसे आदमी मिले हैं मुझे, हे भगवान। अब उसे जल्दी से कॉल करो। यस सर। सर रिंग जा रही है। सर फोन काटिए सर। अब क्या हुआ? सीधा पैसे के बारे में बात मत करिएगा, क्लाइंट है, ऐसा बोलेंगे तो भाग के आएगा। क्या आइडिया दिया है यार नाटे तूने। एक मिनट सर, अब बात कीजिए। इसे भी अभी फोन करना था। हेलो। हाँ सुनो मदन। सर? एक अमीर औरत ने कॉल किया है, 50,000 दे रही है वो, जहाँ मैं बताऊँ जा सकते हो क्या? सर, बस बहुत हो गया, मुझे ये काम नहीं करना। उसने फोन ही काट दिया। वो तो काटेगा ना, उसके पास पैसे जो आ गए 2 करोड़ है सर उसके पास। हाँ सर, फोन तो काटेगा ही ना वो। अरे कहाँ यार तू, जल्दी से आ। अरे सुनो, वो लड़का जो पब में मिला था तुम्हें याद है ना? हाँ देखा तो था, पर अभी याद नहीं आ रहा। फोटो एक बार देख लो तो याद आ जाएगा सर। हाँ। सर आप व्हाट्सएप कीजिए ना फोटो, हम उसे ढूंढ लेंगे सर। हाँ सर कीजिए ना। सुनो, तुम में से कोई उस बंगले पे गया था क्या? कैसी बातें कर रहा है? एक्टिंग बंद कर, हम चारों को इस बारे में पता था, जल्दी से सच बता। मैं बात कर रहा हूँ ना, तू चुप रह। सुन, उस औरत के घर में कोई घुसा, उसका मर्डर करके पैसे चुरा लिए। क्या किसी ने उसे मार दिया? यार ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सुनो, तुमने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग अपने फोन में रखी है ना, उसे जल्दी से डिलीट कर। हमें उसको अपने सिस्टम में से भी डिलीट करना पड़ेगा। बकवास बंद कर, गेम खेल रहा है तू। अरे ये समझता क्यों नहीं? चुप रह ना। ए सॉरी यार, मैंने तुम्हें बता दिया ताकि तुम अलर्ट हो जाओ, जरा ध्यान रखना। हाँ और तुम भी। हाँ। संभाल के जाना यार। चल ना। देख ये कुछ नहीं कर सकते यार, मैं इनको जानता हूँ, चल। ऐसे सब पे शक नहीं कर सकते। थॉमस ये वही लड़का है ना? हाँ यार। हाँ यही है, दिख तो फोटो जैसा ही रहा है। वो देखो और शर्ट भी सेम पहनी है। हाँ यार
उसके साथ कोई और भी है। बॉस से बात करके कंफर्म करते हैं। हाँ। हेलो सर, वो मिल गया सर, लेकिन उसके साथ कोई और भी है। क्या? तो उसको भी उठा कर लेकर आओगे सर? हाँ। अरे रे रे, मैंने तुम्हारी बाइक गंदी कर दी भाई। कोई बात नहीं, बाइक पे लगा, मैं बच गया। रहने अरे मेरी गाड़ी में पानी है, साफ कर लो। अरे कोई बात नहीं, बाइक गंदी होती रहती है, आप जाइए। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको साफ करना ही होगा, साफ कर लो। अरे अरे यार, अजीब आदमी है, पीछे ही पड़ गया। एक मिनट रुको, ये तो वही लड़का है ना? शायद वही है सर। अरे वो देखो पीछे पुलिस की गाड़ी। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी, तेज भगाओ, और तेज और तेज। सुन, शांति से बैठेगा तो। अरे सुनो ना, वो भी क्या कह रहा है? तू चुप करना, इसे भी टाइम पर भूलने की बीमारी है। हाँ, शांति के साथ बैठोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, अगर ज्यादा मचमच किया तो पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी। देखो मुझे लगता है कि आप लोगों को गलत फहमी हो गई। फेंक दूंगा, चुप बैठ। एक शब्द निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा, चुप बैठ। तेज चलाओ, वो लोग भाग रहे हैं। राइट नहीं, सीधे चलो। चल पीछे का, चल 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 चल, पिछले पिछले निकल, चल निकल 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 निकल, चल चल चल, तेज हो जा। सर, हमने उन दोनों को उठा लिया है, रिजॉर्ट के बाहर वेट कर रहे हैं। आप अंदर हैं क्या सर? बहुत अच्छे, मैं अंदर ही हूँ, लेकर आ जाओ। ओके सर। ए, चलो बाहर आओ, बाहर आओ, चल चुपचाप चल, मुंह बंद कर। अरे मैं भी आ रहा हूँ। बोलो कृष्णा, क्या हुआ? सर, मेरे आदमियों ने उसे उठा लिया है, मेरे रिसोर्ट पे आ गई है सर। बहुत अच्छा कृष्णा भाई, रुको मैं अभी रिसोर्ट आता हूँ। बहुत अच्छे, मुझे लगा तुम सिर्फ धंधा करते हो, लेकिन तुम तो काम के निकले। कोई बात नहीं सर, आइए। हाँ बोलो इंस्पेक्टर। सर, आपने पैसा देने का वादा किया था, वो दोनों पकड़े गए सर। पकड़ लिया? हाँ सर। तो उसे मेरे घर पर लेकर आ जाओ। हाँ, मैं और मेरा दामाद तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। बस एक घंटे में पहुंचता हूँ। क्या फैसला करो, पहले पूछ ही लेता हूँ। हेलो सर, उस लड़के को किडनैप करके कुछ लोग रिसोर्ट में लेके आए हैं, हम उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ आए। सुनो, तुम लोग वहाँ से निकल जाओ, वो गुनहगार नहीं है। लेकिन सर, हम किडनैपर का पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, लड़का गुनहगार है। वो सब मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ। लेकिन सर, वो लड़का हमारी पकड़ में आ सकता है। सुनो, जितना कह रहा हूँ उतना करो, फोन रखो। आप लोग जा सकते हैं।
आप खड़े क्यों हैं? जाइए, लगता है किसी बड़े बाप की औलाद है। जाना, हमने कितनी मेहनत से उन्हें पकड़ा था सर, लेकिन पुलिस आई और उन्हें छुड़ा कर ले गई। बॉस, मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर भी उनके साथ मिला हुआ है। हाँ कृष्णा। सर ये क्या हो रहा है सर, मेरे आदमियों ने उसे इतनी मुश्किल से पकड़ा और पुलिस छुड़ा के ले गई। फोन रखो। ये क्या है, मुझ पर ही चिल्लाकर फोन काट दिया। क्यों बेवकूफ हूँ सर, मैंने क्या बोला था, उसे ऐसे क्यों भागने दिया? हेलो, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप ही ने तो कहा था। ठीक है अब जाओ उसे पकड़ कर मेरे पास लेके आओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी बोलते हैं पकड़ो कभी बोलते हैं छोड़ो। अब मुझसे ये सब नहीं होगा सर। सुनो, चुपचाप मेरा ऑर्डर मानो और उसके खिलाफ कोई एक्शन मत लेना। सुनो, तुम तो जानते हो ऊपर से बहुत प्रेशर होता है। तुम समझो भाई, बैठ के बात कर लेंगे, जाओ जाकर उसे पकड़ो। तुमसे हमारी हर खुशी, तुम्हारी जिंदगी, तू जो रही तो तेरे बिना खाक है ये जिंदगी। Dick, 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 dick
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले पुलिस पकड़ती है, फिर छोड़ देती है, फिर हमारा किडनैप होता है और फिर से पुलिस छोड़ देती है। अरे छोड़ना यार, जाने दे वो सब। तेरी तो सब तेरी वजह से ही हो रहा है बेवकूफ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे किडनैपर्स कृष्णा के ही आदमी हैं। देख यार, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना कि मैं पैसे कमाने के लिए जिगुलों का काम करता हूँ तो वो जीते जी मर जाएंगे। अबे चुप रह यार। अच्छा मदर, हाँ? उस पुलिस वाले को मैंने मजनू के साथ जॉगिंग पे जाते हुए देखा है। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? अच्छा ठीक है, अभी चल के हम दोनों मजनू से बात करते हैं। हाँ। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि तुम लोग कुछ तो प्लान कर रहे हो। मुझे तो पहले लगा कि तुम लोग कोई फिल्म देख रहे हो, तो ये बात थी। अब समझ आया। यहाँ आराम से रहते हो और बाहर उल्टे सीधे काम करते हो, हाँ? कोई बात नहीं, आखिर हो तो तुम इसी घर का हिस्सा। मजनू, वो पुलिस वाला तुम्हारी बात सुनेगा क्या? जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो तुम्हारी ही तरह वो भी यहीं रहा करता था। अब इंस्पेक्टर बन गया है फिर भी मेरी कितनी इज्जत करता है। हेलो। हेलो डूड, क्या हाल चाल है? ए बुढ़े, अब चुपचाप ये फोन रख दे, ज्यादा टेंशन दिया तो छोड़ूंगा नहीं। गुस्सा क्यों होते हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो मेरे साथ ही रहता है। क्या बकवास कर रहे हो? इसीलिए तो फोन किया है, क्योंकि मैं तुमसे मिलके इस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि इन्हें लेकर कहाँ पर आ जाऊँ? अच्छा एक काम करो, उन्हें पास वाली झील पर लेकर आओ। तुम्हें क्या लगता है, मैं भी जिगोलो बन सकता हूँ क्या? बुढ़े की आग ठंडी नहीं हुई। अच्छा छोड़ो, जाने दो। हाँ रवि जी, बोलिए सर। तुम मेरी बुलेट लेकर हाँ। झील के पास आ जाओ। ठीक है सर। अरे यार, ये अभी क्यों कॉल कर रही है? क्या है मेरी जान? अरे काहे की जान, कितनी देर से बाइक लेके घूम रहा है? मैं बोल रही ना तुला, 6 बजे से पहले वापस कर देना, मैं 6 बजे जिम जाती है। एक छोटी सी गलती हो गई जानू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। गलती वलती मलाना है माई, गाड़ी का एक एक पुर्जा खोल के बेच देगी मैं। अच्छा बेबी, अभी लाता हूँ। तू कैसे आएगा, कहाँ से आएगा मेरे को नहीं मालूम, 1.5 घंटे के अंदर मला बाइक पाइचे। सुनिए सर, क्या मेरी बीबी सुबह से 100 बार कॉल कर चुकी है, एक ही जिद पर अड़ी है, उसे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बस। बाइक घर के पास है भी नहीं, अब इतनी दूर से मैं कैसे जाऊं सर? देखो ना साहब, भाग दौड़ करके कितना थक गए हैं, जो काम है जल्दी से पूरा करो। ओ ड्राइवर, गाड़ी रोको। जल्दी आता हूँ, जल्दी वापस आना। अगर थोड़ी सी भी देर हुई ना तो पैर। अरे रास्ते में ही हूँ भाई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सर मुझे उस लेडी ने अपने घर में बुलाया था, मगर थोड़ी देर के बाद वो अपने आप मर गई सर। उसकी लाश को देखकर मैं डर के भागा और उसके हस्बैंड ने मुझे देख लिया। पकड़े जाने के डर से मैं उधर से भाग ही रहा था कि तभी आपने मुझे पकड़ लिया सर। मैं बेकसूर हूँ सर, अपनी माँ की कसम खाता हूँ मैं। ए, वो बड़े लोग हैं, मैं तुम्हारी ये सारी बकवास सिर्फ मजनू की वजह से सुन रहा हूँ। जो लड़की मरी है ना, उसका बाप बहुत खतरनाक आदमी है, इंस्पेक्टर भी उसको देखकर डरता है, और मुझे नहीं लगता है कि वो किसी को भी छोड़ने वाला है। क्या वीरा, बच्चों को ऐसे मत डराओ, तुम तो पुलिस वाले हो, मदद करो इनकी। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो किस काम के पुलिस वाले हो? सर इस पचड़े से मेरे दोस्त के निकलने का कोई तो रास्ता होगा, बस आप ही मदद कर सकते हैं। कुछ तो प्लान बनाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मिलता हूँ मजनू। ठीक है, थैंक यू सर। उस लेडी को मारने वाला या तो वो इंस्पेक्टर है जो पैसे लेकर भाग गया, या तो फिर वो कृष्णा होगा। तुम्हें याद है इंस्पेक्टर ने कहा था कि लड़की का बाप बहुत बड़ा आदमी है? अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम उसके पास जाएं और उसे सच बता दें। ओहो, तू चाहता है कि हम उनके पास मरने के लिए चले जाएं, है ना? बात करता है पागल कहीं का। अरे मेरी बात तो समझ। परेशान मत कर। अबे ये कहां से आ गया? ए पागल, सनक गया है क्या? ए ये बहुत लकी है, इसकी इंसल्ट मत करो, तुम्हें पता नहीं है इसने बहुत से लोगों की भलाई की है। अच्छा वो सब छोड़, ये बता तूने मर्डर फोर देखी है क्या? नहीं। उस फिल्म में हीरो की पत्नी का मर्डर होता है और खुद हीरो करता है अफेयर की वजह से। ए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है यार, फालतू की बात करता है, वो पुलिस वाला हमारी तरफ है। तुझे लगता है वो कुछ नहीं करेगा? अरे वो सब मैं देख लूंगा, तुम चलो।
ओके ड्यूड, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ। ये भी पागल है, चलो तू चल। बैठ गया, चल चल। अबे कार्तिक पुलिस, जल्दी भगा यहाँ से, जल्दी भगा, फास्ट, निकल 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 निकल, जल्दी चला यार, और जल्दी और जल्दी। किसका फोन है? किसका फोन है? हेलो, हाँ मजनू भाई। ए मदन, तुम्हारे पास घर की चाबी है क्या? हमारे पीछे यहाँ पे पुलिस पड़ी हुई है, तुम्हें घर की चाबी सूझ रही है, फोन रखो। चिंता मत करो मदन, अरे भाई मजनू है ना, मजनू का प्लान कभी फेल नहीं होता है, समझ गए ना? अभी तुम लोग कहाँ हो? अरे हम लोग शक्तिनगर वाले रोड पर है। ठीक है, तिरुमला नगर आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, जल्दी 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 चला, और जल्दी और जल्दी, जल्दी चला, फास्ट फास्ट। वो देख, वो देख मजनू पड़ा है। अरे रुको मत, सीधे चले जाओ। अबे गाड़ी रोक मजनू, पीछे खड़ा। अरे क्या हुआ? अरे वो देखो एक्सीडेंट हो गया उसका। एम्बुलेंस का वेट मत करो, इसी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचा दो। अबे रुक 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 कार्तिक रुक, मजनू का एक्सीडेंट हो गया यार। हटो सामने से, अपराधी भाग रहे हैं, हटो रास्ते से। ये क्या बात हुई, एक बुड्ढे इंसान को मारकर आप यहाँ से भागना चाहते हैं क्या? ओ बेवकूफ, अपराधी हाथ से निकल जाएंगे, चलो रास्ता छोड़ो। मैं सब समझ गया, तू गाड़ी चला, फास्ट 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 चला, जल्दी चला जल्दी चला। 100 अपराधी भाग जाए लेकिन एक निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए, इसे बचाना हमारा फर्ज है, क्या बोलते हो दोस्तों? ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? छोड़िए सर, इसे कहीं किसी हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। ठीक है, जीप में डालो, जीप में डालो भाई, संभाल के उठाओ। हाँ? अरे बाप रे, इसने हमें देख लिया, जल्दी चला, फास्ट फास्ट। अरे निकल यहाँ से, रुक रुक और तेज चला, लिफ्ट, रुको रुको, लिफ्ट लिफ्ट प्लीज, वो उनके पीछे, उनके पीछे। हाँ थॉमस। अरे सुनो, जब मैं हल्का होने गया तुम निकल गए थे ना, पर अब मुझे वो लड़का दिख गया है और अब मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मैं विनय नगर मंदिर के पास हूँ, वहां से तुम लेफ्ट ले लेना। अच्छा लेफ्ट लेना है, ठीक है। मंडल यहाँ पे एक मिनट रुको, मंदिर का राइट, हाँ मंदिर का लेफ्ट। अच्छा सुनो, तुम इस तरफ लो। हाँ, चलो अभी लेता हूँ, चलो हाँ। चलो चलो सर, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसे ऑटो में बैठा के हम वापस भेज देते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अरे अरे भैया, यहाँ पर नहीं, उस रास्ते से चलो भाई, मेरा घर इस तरफ है, आप चले जाइए। अरे एक और पुलिस वाला, कहीं ये भी तो हमारा पीछा नहीं करेगा, देख ही रहा है इस तरह। हे भगवान, अब क्या करें? ये यहाँ क्या कर रहा है? पहले बीवी को बाइक देता हूँ, फिर देखता हूँ इसे। हाँ थॉमस। अरे तुम लोग कहाँ पर हो? मंदिर का लेफ्ट, तो हमारा राइट हुआ ना। अरे कहा था मंदिर से लेफ्ट लेना। हाँ, उसी रास्ते पे है, मंदिर से राइट लिया है, आ रहे जल्दी। ठीक है, जल्दी आओ, वो लड़का मर्डर वाले घर में जा रहा है, तुम जल्दी आओ। हाँ ठीक है, यू टर्न लो। सर मैं बाइक लेके बीवी के पास जा रहा था, तभी उन दोनों लड़कों को भागते हुए देखा मैंने। सर वो जिस रास्ते से जा रहे थे, मुझे लग रहा है मर्डर वाले स्पॉट पे ही जा रहे थे वो दोनों। अभी आप कहाँ हैं सर? वो जीप एक बूढ़े आदमी के ऊपर चढ़ गई, वो अभी हॉस्पिटल में है, और हम लोग ईसीआर रोड पर है। ईसीआर रोड पे हमें सर से मिलना है। क्या उन्होंने आपको बुलाया है? अच्छा आइए। रुकिए। क्या हुआ? अरे रुकिए, मेरे पास गाड़ी के सारे पेपर्स हैं। ये क्या है? देखो ना, मुझे गाड़ी का कागज चाहिए, ना हेलमेट चाहिए, बस मुझे ईसीआर रोड पे छोड़ दो, चलो। लेकिन मैं तो ईसीआर रोड से ही आ रहा हूँ। अरे तुम मुझे वहाँ पे छोड़ करके वापस आ जाना ना, चलो। अरे ये क्या बात हुई, जल्दी करो जल्दी। ठीक है चलता हूँ। सर आपका दामाद एक दिन मोबाइल ठीक कराने हमारी दुकान पे आया था, तो उसके मोबाइल से हमने पूरा डाटा कॉपी कर लिया था सर। मैं अक्सर सभी कस्टमर्स के साथ ऐसा ही करता हूँ सर। आपके दामाद के मोबाइल की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, वो रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। उस रिकॉर्डिंग से मुझे पता चला कि घर में 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो मैंने अपने दोस्त को वहाँ अंदर भेजा। उसने जाकर देखा, उनको पहले ही किसी ने मार दिया था। ये सब देखकर वो डर गया और वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश की सर, तभी आपने उसे देख लिया, तब से पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। सच्चाई यही है सर। हाँ जी सर। पापा जी ये झूठ बोल रहा है। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फोन हमारे पास ही है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सर। के लॉकर में रख दिए हैं, और हाँ मैं 2 दिनों में निकल रहा हूँ, पैसों की कुछ बात करनी हो तो मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। सर हाँ? आपका दामाद आपको बार बार कॉल कर रहा है,
फोन उठाओ, मैं अभी आता हूँ, समझे? ठीक है सर। पापा जी, 2 करोड़ रुपए मैंने हॉल के लॉकर में रख दिए हैं, और हाँ मैं 2 दिनों में निकल रहा हूँ। पैसों की कुछ बात करनी हो तो मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। हेलो हेलो, देखिएगा वो कहीं जमीन हाथ से निकल ना जाए, 10 लाख रुपए उस जमीन के लिए एडवांस दे ही दीजिएगा। अरे तुम चिंता मत करो, वो जमीन हमारी ही है। ठीक है, मैंने लॉकर में गणेश जी की मूर्ति के साथ पैसे रख दिए हैं, और अब मैं 1 हफ्ते बाद ही आऊंगा। 1 हफ्ते बाद? रुको रुको इंस्पेक्टर। हाँ, ये भी है। नमस्ते सर। मालिक घर में है क्या? हाँ सर, वो अंदर ही है। बेटा, इसका मतलब इंस्पेक्टर एक साथ ही। सर मैं 1 घंटे में वहां पहुंच रहा हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? राक्षस हैं ये लोग, हमें मारने में जरा भी नहीं सोचते। देखो, मैं जानता हूं तुम दोनों के पास ही पैसे हैं, चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो शूट कर दूंगा। सर 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 सर, मैं सच कह रहा हूं सर आपसे, कृष्णा ने पैसे चुराने को बोला, पैसे उसके पास ही हैं, अभी हम यहां पर उसके कहने पर ही आए हैं सर। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो चलिए उसके घर चलते हैं। मुझे धोखा देने की उसने सोचा कैसे? सुन, चल निकल, लाश को मैं संभाल लूंगा, चल। इन दो दो लोगों को उड़ा दिया। ए, वो देखो। हाँ? हमें बॉस को बताना चाहिए। सही क्या करो? जल्दी 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 चलो। बस बस बस, रोक रहा हूँ सर। हाँ बोलो सर, मुझे पुलिस वाले पर डाउट है, उसी ने पैसे चुराए, आप बच के रहिएगा। मैं उसे देख लूंगा, तुम होशियार रहना। बाप रे, ये पुलिस वाले यहाँ कैसे आ गए? ड्राइवर, लगता है साहब की गाड़ी है, रुको। ए, रुको रुको, गड़बड़ है कुछ। नमस्कार सर। सर, आखिरकार आपने इन्हें पकड़ ही लिया? हाँ 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 हाँ, मैं इन्हें देख लूंगा। तुम एक काम करो, तुम थाने वापस जाओ। यस सर। मेरा ऑर्डर माना करो। लगता है बॉस को पकड़ने के लिए इसे भेजा है। चलो थाने चलो, चलो पीछा करो पीछा करो। हाँ जल्दी, और तुम फोन करो जल्दी। सुनो कृष्णा, बाहर आ जाओ। अगर चुपचाप बाहर आ जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत करो। अरे बाप रे, अभी कॉल आ रहा था। ए, रुक रुक। अरे ये इंस्पेक्टर मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा हुआ पुलिस वाला वहीं गिर गया, इसे कहते हैं किस्मत। ए, पकड़ा गया तो हालत खराब कर दूंगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, अब ये यहाँ क्यों आ गए? सर पता चला असली कातिल यहाँ पर असली आया, वो यहीं कहीं आसपास है। वो सब मैं देख लूंगा, तुम जाओ। लेकिन सर वो। अरे जाओ ना, निकलो। सर
सुनो, हमें प्लान बनाना होगा। गुड आइडिया। हाँ चलो उस इंस्पेक्टर को गन पॉइंट पे लेते हैं। हाँ। ये हमारे लिए एक बेहतर मौका है। बिल्कुल सही, चलो ना। नहीं है, चलो चलो चलो। अब ये कौन? हैंड्स अप। इंस्पेक्टर, हमारे बॉस को छोड़ दो, नहीं तो इसे जान से मार दूंगा मैं। ठीक है, इसे जान से ही मार डालो। जब देखो जासूस बन के पीछे आ जाता है, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। ए सुन, चुपचाप बता दे कि पैसे कहाँ हैं, नहीं तो शूट कर दूंगा। तुम लोग हमारे पैसे चुरा के अब कुछ नया ही प्लान बना रहे हो। देखो अब तो तुमको सब पता है, अब तुम्हारे बॉस बाहर आएंगे तो ये लोग इतने गुस्से में है कि शूट कर देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, शूट कर दूंगा। ये काम कर रहे हैं। बोला ना शूट कर दूंगा। अरे मिस्टर भीगी बिल्ली, ये ले। सर मैं सरेंडर कर रहा हूँ। सर सर गोली मत चलाइएगा, मैं सब कुछ बताता हूँ सर। हेलो, जल्दी से रिसोर्ट आ जाओ, असली कातिल पकड़ा गया है। सर जब तक बॉस का ऑर्डर नहीं आएगा मैं नहीं आ सकता। सुनो, उसके बाद मैं ही बॉस हूँ। बकवास मत करो, जल्दी आओ। जाओ अंदर चेक करो। ओके सर। तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगा। अरे डरो मत, जाओ। हे भगवान, आपने मुझे आज बचा लिया। आज के बाद पैसों के लिए कोई गलत काम नहीं करूंगा। आखिर पैसे चुराए किसने? किसी ने भी चुराए, वो क्या फर्क पड़ता है। अरे फिल्म इतनी जल्दी खत्म हो गई, लेकिन पैसे किसने चुराए? मिस्टर एडिटर, जरा प्लीज पीछे जाकर दिखाइए ना। मैं तो बस गाना सुन रहा था कि तभी मेरा मोबाइल बंद हो गया। फिर मैंने गाना सुनने के लिए कार्तिक का फोन ले लिया। मैंने उसमें कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, वो सुन के मैं एकदम से दंग रह गया। उसके बाद से उन दोनों की हरकतें भी बदली सी थी, कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। और एक दिन मैंने देखा कि वो लोग बंद कमरे में कुछ प्लानिंग कर रहे थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो लोग पैसे चुराने का प्लान कर रहे थे। उन्हें पता लगे बिना मैं उनके पीछे पीछे बंगले तक चला गया। मैंने सोचा जब वो पैसे के साथ बाहर आएंगे तो मैं उन्हें दबोच लूंगा और अपना हिस्सा मांग लूंगा। तभी मैंने वहाँ किसी और को भी देखा जो चुपके से बाहर आ रहा था। मैं तो घबरा गया कि इन लोगों ने पैसे चुराए भी या नहीं। और जब मैं अंदर गया तो देखा उसने उस औरत को तो मार दिया था, लेकिन पैसे वहीं पे छोड़ दिए थे। मैंने वो पैसा ले लिया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और वहां से निकल गया। जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने वहां इंस्पेक्टर वीरा को देखा। मैंने सोचा इससे पहले कि वो मुझे देखे मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बैग की तलाशी ना ले। और तभी वो लकी वहाँ पे आ गया। सुनो, इस लकी इंसान की इंसल्ट मत करो, इसने कितने लोगों की मदद भी की है, पता है तुम्हें? बस इसी तरह वीरा से भी निपट गया मैं। क्या बाइक है यार, ठीक करो इसे। अपने कांस्टेबल की बीवी की बाइक है सर, एकदम खटारा। फिर मैंने लकी से अपना बैग लिया और घर चला गया। और तभी वो लड़के मेरे पास मदद के लिए आए। अब वो है अपने ही लड़के ना, तो मैंने भी उनकी मदद कर दी। मैं पैसे बचा रहा हूँ, एक दिन देख लेना, पक्का थाईलैंड जाऊंगा और थाई मसाज कराऊंगा। नाउ आई एम गोइंग टू थाईलैंड। ding 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 ding
तेरे तुमसे हमारी हर खुशी, तुम हो हमारी जिंदगी, तू जो रही तो तेरे बिना खाब है ये जिंदगी। ding 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 ding